जम्मू पुलिस के हाथों एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने शहर के बस स्टैंड इलाके से पंजाब के तरन तारण निवासी एक युवक को 33 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। हालांकि इस युवक का एक साथी पुलिस को गच्चा देकर फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस ने नाकेबंदी कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं ADGP आनंद जैन का दावा है कि पकड़ी गई हेरोइन की कीमत 33 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और यह अभी तक जम्मू पुलिस की ओर से पकड़ी गई नशे की बड़ी खेप में से एक है। जिला पुलिस लाइन जम्मू के में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ADGP आनंद जैन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी सीमांत इलाके से नशे की एक बड़ी खेप जम्मू पहुंच रही है, जिसे आगे तस्कर पंजाब ले जाने वाले थे। पैसे से उसकी भी हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन काफी सारे जिलों में की है, तो पुंछ के हमारी प्रेस वार्ता है, इसका संदर्भ जो ड्रग्स के खिलाफ हमारी एक जो मुहिम है उसके संदर्भ में है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो ये कार्रवाई है ड्रग्स के खिलाफ, प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, इनके खिलाफ जो पिट NDPS की कार्रवाई है वो सतत जारी है और लगातार चल रही है। इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में जम्मू पुलिस ने करीब करीब 33 करोड़ रुपए की हीरोइन जो है वो आज जम्मू बस स्टैंड के इलाके से बरामद की है। जम्मू बस स्टैंड को एक सूचना मिली कि दो संदिग्ध व्यक्ति उस इलाके में एक बैग के साथ कोई वस्तु जो कि काफ़ी भारी मात्रा में है वो लेकर कहीं बॉर्डर इलाके से बस स्टैंड की तरफ आ रहे हैं। तो लिहाजा जब वहाँ पर नाकाबंदी की गई और जब हमने सर्च की तो दो एक संदिग्ध व्यक्ति हमने उसमें से गिरफ्तार किया। उससे जब तलाशी ली गई तो उस सामान की जब हमने शिनाख्त की, उस सामान की हमने नवीयत पता की तो किस तरह की चीज़ है, तो हमें ये पता लगा कि बेसिकली वो एक